हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, तुमने कुछ डिफरेंट सा नोटिस करा? ये अग्गू, ही इज बैक। ये एक्चुअली बहुत लंबी छुट्टी पे गया था एंड नाउ ही इज बैक। अग्गू हेलो बोल सबको। हेलो। यस, अग्गू इज बैक। चलो भाग। तो या आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी सी वीडियोस। वास्ते जा भी दूं मैं खुफा मैं भी तू। इससे पहले कि आगे गाए, मुझे एक चीज बोलनी है। ध्वनि भानुशाली इज द बेस्ट सिंगर एवर। मैंने ध्वनि भानुशाली से अच्छी सिंगर कभी जिंदगी में देखी नहीं है। ये इतना अच्छा गाती है कि इससे अच्छा तो मैं भी गा सकता हूँ। किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। एंड ये मैंने बिना ऑडियो ट्यून के गाया, बाय द वे। ये बहुत बुरा था, बट ये किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। तो ये बिना ऑडियो ट्यून के है। बदले में ओके, चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाती हूँ, क्यूट है पर। प्लीज नोटिस, नन ऑफ देम यूज्ड ऑटो ट्यून। एंड नाउ विद ऑटो ट्यून। वीडियोस देखने वाले हैं जिनको देख के यू विल बी लाइक, कुछ कोई भी मीम लगा दो, कुछ तो डालो। अबे कोई तो मीम डालो, कोई डायलॉग नहीं आ रहा। विज्ञान के जनक कौन है? प्रो स्टूडेंट्स, विज्ञान के जनक कौन है? मोदी जी। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। विज्ञान का जनक वैसे है कौन एक्चुअली में? विज्ञान माने साइंस, राइट? तो साइंस का जनक यानी कि साइंस किसने बनाई? तो आई गेस न्यूटन, am I right? Nope. क्योंकि लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। तो आई डोंट नो, तुम लोग कमेंट्स में बताना कि विज्ञान के जनक कौन है। इस पे हंस नहीं सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता शायद। बताओ कि एको ट्रांसलेशन पूछते हैं, बताओगे? हाँ बताएंगे सर जी। ये बताओ कि मैं खाता हूँ। मैं ईटा खाता हूँ। मैं ईटा खाता हूँ। अरे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैं ईट खाता हूँ। मैं खाता हूँ का मैं ईटा खाता हूँ और उसकी ट्रांसलेशन मैं ईट खाता हूँ। मैं खाता हूँ का, हाँ आई एम खाऊंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये हमारे देश का भविष्य है। ये मैं ईटा खाता हूँ, मैं ईट खाता हूँ, आई एम खाऊंगा। क्या कुछ भी मैं पीता हूँ, आई एम पीइंग। पीना होगा तो बताओ, इसका ट्रांसलेट करो। आई एम वाटर। अरे आई एम वाटर कैसे होगा, क्या होगा बाबू? आई एम ईटिंग वाटर। प्रो स्टूडेंट्स, मतलब इस पे हम हंस सकते हैं बट दिस इज वेरी सैड एक तरीके से, अगर तुम सोचो कि व्हाटएवर यार, आई एम ईटिंग वाटर। ओके लेजेंड स्टूडेंट, जब आगे जगह है तो तुम पीछे कहां बैठे हो? बैक बेंचर है। उका जगह है वहाँ। तुम्हारा भाई भी गर्व से बैक बेंचर है। क्या क्या आता है आपको? इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो तो। ENGLISH। क्या बात है। सोशल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। अरे ये तो मेरे को भी नहीं पता था, सोशल साइंस SST को हिंदी में सामाजिक विज्ञान। ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ कि दो अंकों के सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। वेरी नाइस। तुम यार पीछे बैठ के तुम इतना तेज कैसे हो गए? मतलब हेलो, बैक बेंचर्स ही सबसे स्मार्टेस्ट होते हैं, बैक बेंचर्स ही सारे स्टार्टअप्स बनाते हैं, बैक बेंचर्स ही सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO है। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय पीछे बैठ के इतने स्मार्ट हो गए? बैक बेंचर फॉर लाइफ। आप बोलो आई लव यू। नहीं बोलूंगा, आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो। बिल्कुल भी नहीं, एक बार बोल दो। नहीं, आई लव यू, नहीं, आई लव यू, लव यू, फिर हग और किस करो। ओके, एवरी छपरी निब्बा निब्बी एट नाइट, बेबी आई लव यू बोल लो। ये मैसेज एक्चुअली उर्वशी को ना ऋषभ पंत को DM में भेजना था, लेकिन गलती से इंस्टाग्राम पे डाल दिया उसने। भाई ये लड़की नेक्स्ट लेवल की स्टॉकर है। पहले तो वो मिस्टर RP वाला इंटरव्यू। मिस्टर RP केम और वो लॉबी में आकर के वेट
कर रहे थे, like he wanted to meet. So when I woke up, then I saw 16-17 missed calls. 16 से 17 missed calls मारी ऋषभ पंत ने. अच्छा, ये पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में जी रही है अपने. फिर उसके बाद वर्ल्ड कप वाले टाइम पे ऋषभ पंत के पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी. एंड अब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है तो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बाहर की फोटोज डाल रही है इंस्टाग्राम पे. मतलब नेक्स्ट लेवल स्टॉकिंग कर रखी है इसने. यही काम अगर कोई लड़का एक लड़की के लिए कर रहा होता ना, जेल में बैठा होता वो बेचारा. अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है. और मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में वरना केस कर देती है ये सीधा. डेफामेशन केस आपके ऊपर, 2 करोड़ का लॉयर आ जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि मेरे ऊपर भी केस हो जाए. I'm not laughing. मैं नरक में जाने वाला हूँ कसम से. मतलब गोलकीपर के दिमाग में क्या मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा भी तो भी खत्म. आई एम गोइंग टू हेल फॉर श्योर. और अगर आप भी इस पर हंसे तो आप भी नरक में जा रहे हैं मेरे साथ. हम सारे मिलके नरक में जा रहे हैं. क्या हो गया मैम? पापा की परी इतनी ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. आप ही बात कर रही होगी, ये भी तो बात कर रहे हैं ना. दिक्कत नहीं हुई आप ही को? दिक्कत हुई क्या? अकल है दिमाग में? मैम अकल तो मेरे अंदर बहुत है. ये गाड़ी जो आपने लिया ना अपने घर में रखो. अच्छा मैम मैं ये घर में ही रखता हूँ और चलाता भी रोड पे ही हूँ. अच्छा आप फोन पे बात कर रही हो और तो लोग खड़े नहीं है यहाँ पे. और इतनी तेज तो इसकी आवाज है भी नहीं जितनी तेज आप मेरे से बात कर रही हो. अरे मैम अर्जेंट फोन पे कुछ अर्जेंट मीटिंग पे बात कर रही हूँ बीच सड़क में खड़े होके. दीदी जी फोन पे अर्जेंट मीटिंग पे बात कर रहे हो तो कहीं घर पे जाके कहीं ऑफिस होटल में जाके बात कर लो. बीच सड़क में खड़े होके जहाँ पे इतनी गाड़ियां निकल रही है. आई डू एग्री कुछ लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही उत्तेजित जो पै 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 बिना बात के हॉर्न बजाते रहते हैं. बट भाई सड़क पे जब तुम हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आसपास लोग सारे चुप हो जाएंगे कि दीदी जी मीटिंग पे बात कर ले अर्जेंट. मीटिंग में अगर बात करनी है तो आप घर पे जाके बैठ के बात करो ना, ऑफिस में बैठ के बात. सही बात है. सही बात है. ये थी पापा की परी लेवल 100. नाउ पापा की परी लेवल एक्सट्रीम. हाँ जी सेल्फी लेनी है ले लो भाई ले लो. ओ भाई अंधे हो दिखता नहीं है कैसे चला रहे हो. वाह दीदी वाह. नहीं नहीं वाह दीदी वाह. वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है. एंड सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अगर ये वीडियो ना रिकॉर्ड हुई होती ना ये लड़की इस पे केस भी डाल देती वो बेचारा जेल भी जाता. हम लड़कों के साथ ना ऐसा ही होता है बेचारे कोई इज्जत ही नहीं है लौंडों की. भाई इतने फोटो ट्रिगर्ड इंसान. लेकिन एक सेकेंड भाई सच में इस लड़के की फोटो गूगल पे सर्च करने पे मेरी शक्ल आ रही है. क्या मिल गया ये करके? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था. कुछ नहीं मिला. हिंदी समझ आ रही है तुझे? साले तू ट्रिगर्ड इंसान को हिंदी आती है समझ. इंग्लिश इंग्लिश. आर यू गर्ल और बॉय? खत्म. गजब बेइज्जती है. आर यू गर्ल और बॉय? क्या ये शक्ल और ये शक्ल कहीं से भी सेम लग रही? शायद थोड़ी सी लग रही है. एक्चुअली काफी ज्यादा लग रही है. क्या किया रे सनम? कॉपीराइट आ जाएगा. तो फट गए कपड़े ऑलरेडी? फाड़ दिए. आपने फाड़े? आपका गाना सुन के तो नहीं फाड़े ना किसी ने? नहीं मेरा गाना सुनता ही नहीं है कोई. चलो हमें सुना दो. इससे ज्यादा फेक लाफ नहीं हो सकती. मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ. पर ये फराह खान की ये वाली हंसी इससे ज्यादा फेक हंसी नहीं हो सकती. या शायद हो भी सकती है. बुजुर्गों ने ओहो फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ. राजपाल यादव? राजपाल यादव की आवाज है भाई ये. फिर ये जमाना तुम्हारा है. सेम जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ.
फिर हर तरह ना तुम्हारा फसाना। भाई साहब अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? द रियल सिग्मा मेल। तो मेरे को कहाँ आना है? बड़े बंदा दिखने में भी काफी राजपाल यादव से मिलता जुलता है और आवाज तो सेम टू सेम है। तो मेरे दोस्तों अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बड़बड़ा रहा हो, अगर आपको इंग्लिश ना आती हो तो उसको ऐसे रिप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओह लॉर्ड इंग्लिश सिखा रहे हैं। यस यस आई विल डू इट। ओके नो थैंक्स बडी। ओके आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू मे नो गो नाउ आई विल होप बट यू से नो माई आई विल डेफिनेटली कुड नॉट द प्रोसेस ओनली ऑन इन टाइमिंग will be not to able to myself okay you too good how understanding but you was to that Mary I no I could not very much said because I have a so again truth my love because I no I know so many again to that debt I will know so again but I will tell you now you me I could not that and again to me love pyar against you once more me that I will not could not be say again no how many no yes I will you oh I will tell you you may now go to shed again and no I have a process understanding do you know me again truth no my love but I will say could not said be again oh my yes yeah okay no but you know understand english lord english best he teach what amazing no you say he no teach no you know understand and your problem not lord problem lord you see last video with lord amazing video yes lord and I no understand what I say no not my problem your problem then like the video and thank you this video only this much I see next video okay no thanks for watching no yes thanks for watching